सिद्धार्थनगर में आए दिन मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसा ही एक मामला चिल्हिया कस्बे में देखने को मिला, जहाँ गरीब परिवार दबंगों द्वारा अपने खेत में अवैध तरीके से पानी गिराने के मामले को लेकर फरियाद लेकर पहुंचा। हैरानी की बात यह रही कि प्रभारी निरीक्षक ने बिना जांच किए फरियाद लेकर आए युवक पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। मामले की लीपापोती कर दी गई, जिसका यह नतीजा हुआ कि जब पीड़िता परिवार अपनी जमीन से पानी निकालने के लिए आया तो दबंगों ने लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। SDM महोदय को रिपोर्ट सबमिट की गई है इसके नाप तौर पैमाइश के लिए कि किसकी है किसकी नहीं है, पानी किसका बह रहा है किसका नहीं बह रहा है, सही तथ्य की जानकारी के लिए लिखा पढ़ी में रिपोर्ट दी गई है। पूर्व में 107 की कार्रवाई 151 की कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें ये जानकारी मिली है कि गाटा संख्या 400 538 नंबर है, इस पर जो है दोनों पक्षों के मध्य घूम रही जमीन है, जिसका विवाद उभय पक्षों के मध्य चल रहा था। इसमें जो है जानकारी होने पर लेखपाल कानून को मौके पर भेज दिया गया है और इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है और थाने से भी जो है SO7 द्वारा उनको पकड़ लिया गया है और जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री